यस, ये है 5.2 लीटर V10 लैम्बोर्गिनी हुराकान टेक्निया एंड दिस इज हाउ द इंजन लुक्स लाइक। यहाँ पर ये कुछ इस तरह देखने को मिलता है, अराउंड 630 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 565 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है, और ये वही सेम इंजन है जो हमें हुराकान STO में देखने को मिलता है। ये है लैम्बोर्गिनी की हुराकान टेक्निया जो हाल ही में अभी फिलहाल लैम्बोर्गिनी इसको इंडिया में लॉन्च कराया है। एंड लैम्बोर्गिनी का कहना है ये गाड़ी ईवो RWD और STO हुराकान जो है उन दोनों के बीच बैठेगी। जो रोड और जो ट्रैक वाला प्रेजेंस या कहें कि फील इन टर्म्स ऑफ ड्राइव है वो इस हुराकान टेक्निया में लैम्बोर्गिनी देने की कोशिश कर रही है। फ्रंट में वही हुराकान वाला डिज़ाइन लैंग्वेज, ड्रैग फोर्स लैम्बोर्गिनी कह रही है कि इसमें थोड़ा बेटर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टू कार्स इन हुराकान लाइनअप उसमें देखने को मिलता है। एंड वही लैम्बो प्लस हुराकान वाला फेस फ्रंट में देखने को मिलता है। एलईडी लाइटिंग है थ्रू आउट फ्रंट में एंड सेंसर्स फ्रंट में थ्रू आउट देखने को मिलेंगे। एंड केस यू आर वंडरिंग, इसमें स्पेस नहीं है बूट स्पेस, तो यहाँ पर कुछ लगेज स्पेस इसमें देखने को मिलता है इस हुराकान टेक्निया में। सो ओवरऑल कार्बन फाइबर बोनेट का इस्तेमाल इसमें करा गया है फ्रंट में एंड रियर में भी। तो ये चेंज इन टर्म्स ऑफ ईवो RWD एंड इसका जो STO वर्जन आता है कंपेयर टू दोज, इसमें ये बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। एंड बात करूँ व्हील्स की, तो यहाँ पर इसमें व्हील्स अलॉय व्हील्स दिए गए हैं एंड कैलिपर्स जो हैं वो भी इसमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। व्हील्स की बात करूँ तो व्हील्स का साइज़ है 245 सेक्शन एंड 20 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। ब्रिजस्टोन के ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। लैम्बोर्गिनी की बैजिंग यहाँ पर सेंटर हब में इसमें व्हील में देखने को मिलती है। ड्यूअल टोन पैटर्न है, सिल्वर थोड़ा ब्लैक का कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके अलॉयज में यहाँ पर देखने को मिलता है। हेक्सागोनल शेप यहाँ पर इसके अलॉयज में देखने को मिलती है। एंड साइड प्रोफाइल वही हुराकान वाला डिज़ाइन लैंग्वेज, लैम्बो वाला फील यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। एंड रियर में जो चेंज थोड़ा बहुत यहाँ पर रियर देखने को मिल रहा है, एग्जॉस्ट नोट जो है वो उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। ऑल दो अभी मैं इसको ऑन करके सुना नहीं सकता, बट देर इज़ अ वीडियो ऑफ द एग्जॉस्ट नोट ऑन टाइम्स ड्राइव इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लैम्बोर्गिनी की बैजिंग है एंड ड्रैग फोर्स जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बेटर करा गया है एंड यहाँ पर ये फिक्स इसमें स्पॉइलर देखने को मिलता है। सो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस लैम्बोर्गिनी की हुराकान टेक्निया में देखने को मिलता है। थोड़े बहुत बदलाव इसमें किए गए हैं कंपेयर टू ईवो RWD एंड हुराकान STO। चलते हैं अंदर, कॉकपिट का मामला कैसा है, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। सो अंदर जो हिसाब किताब है वो हुराकान वाला ही इस लैम्बोर्गिनी हुराकान टेक्निया में भी देखने को मिलने वाला है। जो ट्रेडिशनली हुराकान का डिज़ाइन एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो इसमें भी इस नई टेक्निया में देखने को मिल रहे हैं। हमने ऑलरेडी ईवो RWD और कहें कि STO जो हुराकान आती हैं उनमें भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। यहाँ पर वही कॉकपिट वाली फील यहाँ पर दी गई है। मोड्स हैं स्ट्राडा, स्पोर्ट, कॉर्सा एंड यहाँ पर कंट्रोल करने के बटन्स हैं दोनों लेफ्ट राइट राइट साइड एंड इसके अलावा क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स यहाँ से राइट साइड से कर सकते हैं। देन देर इज़ अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें अलग अलग मोड में जो आप चलाएंगे तो अलग मोड का डिस्प्ले वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड देर आर ऑफकोर्स दीज हेफ्टी वेरी विजिबल पैडल शिफ्टर्स बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील। एंड यस, कॉकपिट वाला मामला कह रहा था मैं, तो यहाँ पे वो बटन्स जो हैं यहाँ पे वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा। हैज़र्ड लाइट्स का है एंड इसके अलावा ESC ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे, पावर विंडोज़ के भी यहीं पे बटन दिए गए हैं। एंड यहाँ पर भी एक सीन दिया गया है विच इज़ 4G कनेक्टेड एंड यहाँ पर अलग सेटिंग्स हैं। व्हीकल में जाएंगे तो ये सब सेटिंग देखने को मिलती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा नेविगेशन, देन फ़ोन कनेक्टिविटी, साउंड, मीडिया, टेलीफोन एंड रेडियो। देन नीचे आए देन वही कॉकपिट वाला मामला विद द स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड गियर शिफ्टर्स, 7-speed ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। लेदर स्टिचेस डैशबोर्ड थ्रू आउट एंड यहाँ पर भी सॉफ्ट टच के साथ मटेरियल देखने को मिल रहा है। एंड देर इज ऑल्सो हैंडल बार में भी अलग तरह का मटेरियल है। देर इज लेदर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ब्लू वाला कॉम्बिनेशन थ्रू आउट सीट्स में, डैशबोर्ड में, डोर्स में इसके देखने को मिल रहा है। एंड विच इज रियली लुकिंग, जो प्रीमियमनेस इस कार में फील हो रही है वो स्पोर्टी नेचर, वो अग्रेसिव
स्पोर्टी लैम्बो नेचर इसमें जरूर झलक कर सामने आ रहा है इस कलर कॉम्बिनेशन में। सो कार्बन फाइबर वाला फील यहाँ पर इसकी सीट्स, इसके एसी वेंट्स के आसपास चारों में देखने को मिलेगा। एंड यस, डैशबोर्ड में भी यहाँ पे दिया गया है। एंड ये चेंज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, जो टेक्निया वर्जन है इसमें, कंपेयर टू ईवो एंड एसटीओ जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ मामला है इस नई लैम्बोर्गिनी हुराकान टेक्निया का, ईवो आरडब्ल्यूडी और हुराकान एसटीओ के बीच में। ये वो जो गैप था उसको फिल करने के लिए लैम्बोर्गिनी इसको इंडिया में लेकर आई है टेक्निया को। 630 ब्रेक हॉर्स पावर और 565 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये जनरेट करती है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और टाइम ड्राइव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।